हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है अभी आफ्टर में। अभी बज रहे हैं 2 और हम सब लंच कर रहे थे। फराई लंच करके चली गई और हम लंच करते करते मैं अपना व्लॉग देख रही थी। तो ये चल रहा मेरा व्लॉग, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ चल रहा है मेरा व्लॉग, और व्लॉग को इन्जॉय करते करते हम अपना लंच फिनिश कर रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब टीवी पे देखा है ये, मतलब लगा के। मैं वैसे फ़ोन में ही देखती हूँ खुद, पर मैंने आज पहली बार टीवी में देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग भी देखा करो मेरे व्लॉग, खाते खाते डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो और मेरा व्लॉग लगा लिया करो और आराम से देखते रहा करो। मम्मी क्या बोलना चाहेगी मेरे व्लॉग, आप तेरे को आज टीवी में देख के कैसा लग रहा है, जल्दी बता। व्लॉग मेरा टीवी में देख रहे तो कैसा लग रहा है? हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही टीवी में कभी मुझे हीरोइन बनते हुए देखना पसंद करेगी? हैं, मेरी कामयाबी तेरे साथ है। तो फ्रेंड देखो, अब मतलब मैं ये मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी एक हीरोइन या कुछ अच्छा करूँ तो मैं टीवी में आऊँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो तो जल्दी ये सपना पूरा होगा मेरा। बाकी लंच हमारा हो चुका है, अब बैठे हैं बस लंच करके। बाकी और कुछ काम है नहीं फिलहाल, जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे हमने अपने कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स सुखाए थे। सुखाना मतलब क्या, वो उसमें ना अजीब से कीड़े से नहीं हो जाते, ऐसा कुछ हो रहा था। तो हमें लगा कि धूप में सुखा दे, मतलब धूप में डाल दे, धूप की गर्मा से वो ठीक हो जाएंगे। तो बस हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर है और हमें आना है 4th फ्लोर पे। अब 4th फ्लोर में लिफ्ट से क्या ना, इतना तो पैर चलाना चाहिए। मम्मी, मेरी मम्मी घर को जा रही है। क्या हो गई? चलो, आज वैसे भी मौसम ठीक है, धूप तो है नहीं। मम्मी नहीं, एक भी धूप नहीं है। देख मौसम, हवा चल रही। मैं दिखाती हूँ आपको मौसम, मेरा फेस कैसा लग रहा है। चलो जैसा भी है मेरा ही है। ये हमने यहाँ पे धूप में डाले थे, इसमें ना वो हो गए थे, जैसे क्या बोलते हैं उसको मम्मी, गुण लगना, पता नहीं क्या बोलते, जो भी होता है वट एवर। तो मम्मी ने यहाँ डाले तो मेरे ख्याल से तो निकल ही गए होंगे सारे। इधर हो नहीं देख, हाँ देख सारे। बाकी यहाँ का मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप चली गई है, मौसम अच्छा हो गया, मतलब ठंडी हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ एलोवेरा ना ये तोड़ लूँ लगाने के लिए, पर लगाऊंगी तो आज मैं मेहंदी रात में। आज मैंने ना अपनी फ्रेंड मेहंदी घोली है सर में लगाने के लिए, तो मैं सोचूँ एलोवेरा मैं बाद में ले जाऊंगी, अभी तो इसको पेड़ में ही रहने देती हूँ। इतने अच्छे हो गए, पहले तो बिल्कुल पतले पतले से निकल रही थी और अब अच्छे हो गए। वैसे एलोवेरा ना जेल को, एलोवेरा को ये वाले जेल जो आता है वो बना बना है वो नहीं, इस एलोवेरा के जेल को ना बालों में लगाओ, फेस पे लगाओ तो मतलब बहुत अच्छा होता है बालों के लिए भी और फेस के लिए भी, शाइन आती है। तो मैं ये हमेशा लगाती हूँ। तुम क्या कर रही हो लड्डू? तुम खाना मत जब तक वो साफ ना हो जाए। हाँ, दिखा ये फेंक दे मम्मी, फेंक दे। आज भी कर रहा हूं। तो इसमें फ्रेंड्स लग गई घुन मेरे को, तो अब लग रहा है इनको खाने में डर, तो मैं तो इनको फेंक दूंगी, क्योंकि जब घुन लग गई और ये वाली चीजें खाओ ना तो मर मर आ जाएंगे। ओए मत खा लड्डू, कुछ नहीं। और मुझे मरने से लगता है डर, बहुत ही डर, बहुत ही डर। तो अगर खराब हो गए तो मम्मी फेंक दियो, हैं खराब हो गए तो फेंक दियो। वो खराब वाले निकाल दियो, पता कैसे चलेगा खराब वाले, तो तोड़ के देख रहे हैं। तो हम तो छत पे बैठ गए धरना दे के, जब ये सही हो जाएगा तो खाएंगे, वरना छोड़ देंगे, मैं तो छोड़ दूंगी। तो गाइस, मैं ना कम चीज़ खाना पसंद करती हूँ और होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ और बेकार हो तो वो बेकार है। अब मैं बोल रही हूँ मम्मी को कि ना फेंक दे, क्योंकि ख़राब हो गए, कुछ हो गया, मर मर आ गए ना, तो 2024 नहीं देख पाएंगे। सच बता रही हूँ, मुझे 2024 देखना है और आगे बहुत सारे वो देखने हैं साल। फेंक दे इसको, क्या फ़ायदा, घुन लग गई है उसमें। और घुन लगने का मतलब है कि जैसे दिमाग में घुन लग जाता है ना इंसान के, वो पागल हो जाता है,
ऐसे इसमें घुन लग गया। अब ये तो खराब हो ही गए ना, तो फेंक देना चाहिए। अरे तोड़ दूंगा और पटकूंगा। फेंक दे, चलो मैं उस एक बार देखती हूँ, साफ करवाती हूँ, हो जाए तो ठीक है, वरना फेंकना तो है ही। मम्मी नहीं, मैं नहीं खा रही खराब वाला, मर जाऊंगी तो ये लोग मेरे ब्लॉग कैसे देखेंगे फिर। चलो मैं साफ करा दो, फिर मिलते। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये मोर है, और मम्मी कह रही चील है, और मेरी मतलब इच्छा है कि उड़े तो मैं देखूँ चील है या मोर है। शू उसे उड़ाऊँ कैसे? शू नहीं मम्मी, इतने ऊपर मोर उड़ सकता है? ऐसी बात नहीं है, लग रहा है ना ऐसा, क्योंकि मोर नहीं होती ना, जो उसके ऐसी होता है। क्या है फिर? चील है। चलो फिर, हाँ पर मैंने मोर तो बस वहाँ देखा था, जू में देखे थे मोर, और वैसे मैंने ऐसे कहीं नहीं देखे मोर। हाँ हाँ हाँ, देखे हमारे यहाँ ना पीछे आगे एक साइड जाते हैं तो वहाँ पे खेत है, खेत काफ़ी बड़ा है, मतलब वहाँ पे मोर इतने सारे, मोर नहीं जाते, इतने सारे भागते हैं, वो तो खेलते हैं वहाँ पर हम जब जाते तो मैं देख के भागते हैं, मैंने तब देखे मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो किसको नहीं मन करेगा उसको देखने का, उसकी खूबसूरती को देखने का। पर मुझे लग रहा है वो मोर नहीं, कुछ ऐसा है। चलो जो भी है, हो गया साफ, चलो नीचे जा रहे हैं। मैं तो घुमस्सी लग रही है, मौसम तो ठीक हो रहा है पर घुमस्सी हो रही है। चलो नीचे चलते हैं। कोई चावल, कोई दाल, कोई कुछ ऐसे फटकारता था, तो ये पुराने दिन अब ऐसा कभी देखने को मिला नहीं काफ़ी टाइम पहले। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी भी ऐसी ना चावल या दाल या कुछ भी ऐसे फटकारने के लिए बाहर बैठ जाती थी, और हम अपनी दादी के पास बैठ जाते थे। बस पुराने दिन दोबारे लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि नए दिनों में तो बर्बादी है। पुराने दिन थोड़े अच्छे थे, अब वो वापस तो आएंगे नहीं। तुम क्या कर रही हो? चलो इधर आओ, नीचे चलेंगे। चलो मिया। तो ये देखो, ये मेरी मम्मी ने क्या करा, मतलब सारे गमले उल्टे सीधे कर दिए, किसी के छेद नहीं खुले तो उनके छेद खोल रहे, और खोल भी किस तरीके मोर पंख की डंडी, इसमें भी नहीं है छेद, नहीं है बिल्कुल प्लान है। फिर वो कैसे करेगी छेद इसका? हाँ, छेद कैसे करेगी? अभी तो लोहे का मट्टी का ही कैसे इसको ऐसे रंधे फिर हा? इसको ऐसे रंधे, इसमें छेद नहीं था तो मेरी मम्मी ने क्या करा, चक्कू घोप के इसके ये वाला चक्कू घोपा, और फिर इसके नीचे यहाँ पे छेद करा। तो अब क्या करेगी? देख इनमें तो समय है, अब इसमें नहीं है, कहीं तो नहीं। छोड़ दे फिर, ऐसे क्या कर सकते हैं। मेरी मम्मी ने सारे गमले, क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे ना पूरी छत गमलों से भरी पड़ी है, और मट्टी और वो मट्टी के प्लांट इतने सारे लगाए पड़े हैं, तो मेरे यहाँ पे भी लग गई, शुरू हो गई। तो इनको फिर, इसको तो फिर ऐसे रहने दे, उसका तो कुछ होगा नहीं, फिर बढ़ेगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर क्या करे इसका? मेरी मम्मी को बहुत नॉलेज है। क्या करो फिर इसका? ये एक काम कर फिर, ये गल रहा है देख, हैं बड़ी नहीं गल रही है, इसको किसी में किसी और में डाल दे, मिट्टी निकाल के किसी और गमले में डाल दे, इसमें लगा दूं? हाँ उसमें लगा दे, इसकी मिट्टी समेत उसमें डाल दे। चलो मम्मी के साथ करवा ली, देखो पूरा कर, मम्मी को बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, मुझे कम है। कुछ ना कुछ तिगड़म करती रहती मेरी मम्मी, से मम्मी को काम भी यही होता है, क्या करे, खाली बैठी है। खाली तेरे से एक बात बता, मम्मी तेरे से खाली बैठा नहीं जाता? नहीं। क्यों? मन नहीं लगता। काम करना ज्यादा अच्छा लगता है? फिर मैं फराक हटा दूं? बिल्कुल हटा ये तो कर भी लेगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेगी। मेरे को भी काम कर लेती हूँ मैं भी, पर अब इतना आदत नहीं रही मेरे को ना, कम से कम 5 साल हो गए अब काम करे, अब मुझे आदत नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं करती, इसलिए मैंने फराक को रखा हुआ है। ले मेरी मम्मी कह रही हटा दे इसको, मैं कर लूँगी सारा झाड़ू पोछा, और जब तू चली जाएगी तब कौन करेगा? ले इसलिए उसको लगे रहने दे, क्यों हटाए, इसलिए लगा दे। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। जो यहाँ पे देखो ये इतने सारे पौधे लगे पड़े, इनमें तो छेद नहीं है जमीन में, तो इनको ऑक्सीजन कैसे मिल जाती है, और इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जबकि ये भी मिट्टी में ही लगे हुए हैं। ये भी कुदरत की ना अलग ही लीला है।
ये कहाँ जा रहा भैया, किसको उठाएगा? ये नीचे आया, वो क्रेन आती है ना जो उठाने, वो है। अच्छा अपना आटा दे रहे, ये क्रेन वाले चक आ गया, दे रहे आटा पिसवाने के लिए। हो गया, चलो हो गया। मम्मी का कर रही है, गमला लगा देगी, ये वाला छोटा वाला लीफ से ना इसमें लगा देगी तो शायद बढ़ जाएगा। वैसे मम्मी कह रही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मैं ठीक है अभी लगा दो। मम्मी लगा रही है, बाकी पूरी मट्टी देखो कैसी, उसमें से इस वाली का पानी फिलाया ना तो उसका सारी मट्टी के समेत पानी ऐसे निकला है। चल रहे फ्रेंड, देखो मेरी मम्मी ना इसमें ना कीड़ा ढूंढ रही है कि ना जब कीड़े लग जाते हैं ना तो ये पत्ते ना ऐसे खराब होने लग जाते हैं, और ये देखो ऐसे, तो ये सारे ना कुछ कुछ पत्ते खराब हो रहे हैं। ये देखो जैसे इसमें छेद हो गया, ये यारे पान का पत्ता, ये ऐसे जल गए। तो मेरी मम्मी कह रही कि इसमें ना जरूर कीड़ा होगा, और मम्मी कह रही फरा को फरा कीड़ा ढूंढ, इसमें इनाम मिलेगा। और मैं कह रही हूँ कि अगर फरा ने कीड़ा ढूंढ दिया ना तो तू नहीं, मैं इसको इनाम दूंगी, क्योंकि दिमाग का कीड़ा तो ये खुद नहीं ढूंढ पाई। इसके जो दिमाग में कीड़ा है वो तो निकाल नहीं पाई, ये पौधे का कीड़ा निकालेगी क्यों? ये देखो मेरे को मिल गया। हाँ, कहाँ कहाँ कीड़ा? ये कीड़ा है, खा जाए इसको, ये कीड़ा है यार, प्लीज यार, क्री कीड़ा है। तो अभी इसमें मैं मम्मी लगी पड़ी कीड़ा ढूंढने में, मैं भी हूं। अच्छा तू भी है, तो तू भाग क्यों रही है? तो फरार मम्मी ढूंढ रहे कीड़ा, अगर कीड़ा मिल गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे एक कीड़ा तो मिला पड़ा है मुझे, ये फरा नाम है जिसका, ठीक है, पर ये वाला मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी और में नहीं है, और तो मेरे सही हैं, सही सलामत है। ये भी बढ़िया है, तुलसी है, तुलसा है, और ये लिपस्टिक का हमने, मेरी मम्मी ने लिपस्टिक का पौधा निकाल के यहाँ पे लगा दिया, सूख मतलब सही हो जाएगा। नहीं मिला तो तुम्हें कीड़ा मिलेगा भी नहीं। पत्ता नहीं खा रहा है ना, इसमें से ये नहीं है, कहीं मिलेगा कीड़ा तुम्हें? मुझे नहीं लगता तुम्हें कीड़ा मिलेगा। नहीं है यार कीड़ा है, एक कीड़ा नहीं है, है? मुझे पता है, कीड़ा मिलेगा तो दिखाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता यहाँ इनको कीड़ा मिलेगा। देख लगी पड़ी है, ये क्या निकल रही है? देख ये तो जड़ है, जड़ निकलती है निकी। तो मैं दिखाती हूँ आपको अगर कीड़ा निकलता है तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि निकलेगा इनके हाथों से। डिजाइन तो देखो। तो फ्रेंड्स देखो ये कितनी तेज हवा चल रही है अभी, फिर से कल ऐसी मौसम हो रहा था ना, ये देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं, ये देखो। और मेरी मम्मी ने देखो कितनी खुरापाती करी है, कह रही यहाँ पे ना गेट अटता है मनी प्लांट लगाने से, यहाँ पे रख दिया, मतलब ये एक स्पेशल जगह मनी प्लांट की हो, और हवा, और यहाँ पे खड़े होने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब स्पेस मिल गया। और सामने देखो हॉर्स आया हमारे यहाँ पे, ये घास वास चढ़ने, तो ये सामने हॉर्स मेरा घास चल रहा है। और आज वैसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है, और अभी हम प्लान बना रहे थे कि चलो पार्क जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लगेगा, थोड़ा घूमेंगे, बट हवा तो चल रही है और धूप भी आ रही है हल्की हल्की, देखो उधर की साइड धूप आ रही है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये देखो पेड़ पौधे। तो मैं तो कहती हूँ गर्मी आए ना ऐसा ही मौसम रहे, मतलब हवा चलती रहे, हल्का ठंडा मौसम रहे, धूप ना आए, क्योंकि जो ज़्यादा कैड़ी धूप आ जाती है ना तो उसमें तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब समझ नहीं आता, पागल ही हो जाते हैं। ये देखो कैसे लहर मार रहे हैं, ये देखो कितनी लहर आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम निकले हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मैंने टेलर को ना सूट डाल रखा था, और वो सूट कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 दिन हो गए, और मुझे उठाने का टाइम नहीं मिल रहा ना मैं जा पा रही, बट आज मैंने फाइनली सोच लिया कि अब मैं जाऊँगी सूट लेने। तो मैं जा रही हूँ फराह को लेके, अकेले जाने का मन नहीं करता इसलिए मैं अकेले की वजह से आज इतना टाइम हो गया था उसको पड़े पड़े, बट मैंने चला जिसको ले जाती हूँ मम्मी लड्डू के पास रुक जाएगी, तो बस मैं जा रही हूँ। और जा रहे हैं हम स्कूटी से, ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, मतलब 5-10 मिनट जाने के, 5-10 मिनट आने के, तो वही टाइम लगेगा। स्कूटी मेरी है पर इसको साफ करनी पड़ेगी, इसकी डिक्की को देखो मट्टी कितनी जम रही है यहाँ से, ये मट्टी देखो कितनी इसको, हाँ फोन कपड़ा निकालिए, फोन निकाल लिए, फोन से सीट साफ कर ले, गंदी हो रही है।
डबल कर लेना फोम पहले मट्टी डबल, कि चलाते नहीं है ना हम तो इसलिए मट्टी ज़्यादा रहती है। चलाते रहो तब तो सही रहेगी, साफ़ हो जाएगी, पर हम चलाते नहीं तो इसलिए मट्टी हो रही है। और आज मेरा जाने का रीज़न ये भी था क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, धूप में वैसे जाने का मन नहीं करता, तो अभी मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलो ठंडी ठंडी हवा में चले भी जाते हैं, धूप आ गई तो फिर जा नहीं पाएंगे। तो मैं हो गया साफ लाइट का, तो वो तो चाबी तो निकाल के इसको डाल के देखती हूँ, तो चलो मैं जाती हूँ जाके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आए अभी हम मार्केट आए थे सूट लेने, क्योंकि मेरा सूट फिटिंग में डाल रखा था तो वो ले लिया, और हमने नाश्ते के लिए भी स्नैक्स ले लिए हैं और समोसे ले रहे हैं, समोसे भी वो निकल रहे गरम गरम, तो वो अभी निकाल के फिर हमें देंगे, तो बस लेके फिर हम जाते हैं। और ये देखो सामने आपको गली दिख रही है, यहाँ मैं रहती थी 3 साल पहले, 2-4 साल पहले मैं यहीं रहती थी, इस यहाँ पर इस जगह मैं 3 साल रहती गई हूँ और अब वहाँ पर मुझे 5 साल हो गए, तो ये मेरी बहुत पुरानी जगह है। 3 साल मैंने इस हलवाई के ही समोसे मिठाई हर चीज़ खाई, तो कभी कभी आती तो यहाँ से ले जाती हूँ, वरना फिर कहीं और से तो लेते ही हम। तो ये देखती रहना, ये हो रहे हमारे समोसे फ्राई, वहाँ चाउमीन बन रही है, यहाँ पे कुछ वैसा बन रहा होगा जलेबी का, बट वो मेरे फ्राई हो रहे हैं, थोड़े और होंगे फिर निकाल कर देंगे। तो आज हम करेंगे चाय एंड समोसे की पार्टी। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर, कि हमारा सारा काम हो गया, हमने सूट भी ले लिया, स्नैक्स भी ले लिए और समोसे भी ले लिए, तो बस हम जा रहे हैं घर। और इस टाइम इतना अच्छा लग रहा है स्कूटी चलाते टाइम, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, तो बड़ा आनंद आ रहा है स्कूटी चलाने में। बट स्कूटी चलाना उसी को चाहिए जिसको स्कूटी आती है, बस प्रैक्टिस कभी कोई मत करना कि हमें स्कूटी नहीं आती, फिर भी आप स्कूटी चलाओ कि हमें संभाल लेंगे, स्कूटी चलाना नॉट सेफ, बट जब आती है जिसको तो भी केयरफुली चलाएं, क्योंकि स्कूटी बहुत रिस्की है। मैं तो बस ये कहूँगी यार, ठीक है, बाकी हम जा रहे हैं घर और घर का रास्ता हमारा बस 2 मिनट और, आप जगह दिखा पड़ा। तो फ्रेंड्स आ गए हम घर, ये हमारी लिफ्ट, और बस अब घर जाके हम गरम गरम समोसे खाएंगे। अभी मैं पीछे भरा बैठी थी, समोसे नीचे हो गए, उसको ध्यान रखना चाहिए, कह दी थी समोसे पिचक गए, अब समोसे पिचक गए तो क्या कर सकते, पिचक गए तो पिचक गए थे, हवा में हवा डाल के तो उसको फुला नहीं सकते, कोई नहीं ये तल दूंगी तेल में, ये तल देगी। चलो बोलो मेलोडी, तो बस अब हम जाते हैं और समोसे का नाश्ता करते हैं, आपको खाने तो लेके आते हो चाहते। तो फ्रेंड्स हम आ गए पार्क में लड्डू को घुमाने, क्योंकि लड्डू घर में बैठी बैठी हो रही थी बोर, तो मैंने कहा चलो इसको पार्क लेके चलते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, ज़्यादा धूप नहीं है, तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। तो लड्डू ध्यान से स्लिप नहीं करना कीचड़ में, उधर चल, तो बस इनको घुमाते हैं। चलो आराम से, चल चल चढ़ चढ़ चढ़, पानी पी ले पहले, नहीं नहीं वो ना वो कंफ्यूज हो रही, पहले पानी पियो, चलो चल। कह रही है सन आ रहा है, सन में ही तो घूमने आए, अंधेरे में हम ना अंधेरे में आते हैं, और अंधेरे में ना फिर मच्छर पार्क में मच्छर वच्छर काटते, इसलिए मैंने कहा चलो अभी ले चलते हैं, अभी कम से कम थोड़ा घूम भी लेके 1-2 घंटे तो अच्छा लगेगा, ऐसा लगे पड़े अपने अपनी एक्सरसाइज में। यहाँ लड्डू भी, लड्डू करो, ये पार्क में खुश हो जाती है, परा वहाँ पे गई है उनको देखने की, वो खाली हो तो ये झूलेगी घड़ी कैसे, ये मम्मी लगे पड़ी है, चलो चलो करो करो करो, बस मैं ही नहीं कर रही क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का,
बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं। मेरे लिए भी एक झूला मिल गया, मैं झूल रही हूँ इसमें, और फरा ये और मैं इधर। पर नीचे ना इतना गीला हो रहा है, मतलब बारिश हुई थी ना परसों क्यों कल, तो उसका ना गीला गीला हो रहा है, इसलिए स्मेल सी भी आ रही है और गंदा भी लग रहा है। बस मैं थोड़ी देर झूलूंगी फिर उतर जाऊंगी। मजा आ रहा ऐसे झूले में झूल के ना, सच में पुराने दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, सावन होते थे और पार्क में ना गर्मियों के टाइम में ऐसे झूला डाल लेते गर्मी और सर्दियों में, और हम पार्क में ऐसे लाइन लगा लगा के झूलते थे, अब तेरी बारी अब तेरी बारी, ऐसे पुराने दिन याद आ जाते। ये देख, तो चलो मैं थोड़ा सा झूल लेती हूँ फिर उतरती हूँ। बोल हेलो हेलो, चलो मैं झूल लेती फिर आपने। मैंने झूल लिया, बहुत गंदी स्मेल सी आ रही थी क्योंकि वहाँ नीचे ना गंदा हो रहा है गीला गीला सा, और वो पानी सड़ गया पता नहीं क्या, तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बाल मेरे कैसे हो गए। तो मैंने कहा जितना झूल लिया उतना ठीक है, फिर मैं आ गई। फिर अभी भी झूल रही क्योंकि फिर आपको स्मेल नहीं आ रही, बट मुझे स्मेल आ रही है, तो मुझे लग रहा है गंदा। मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ आने का, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, सच में बहुत गंदी स्मेल आती है। सर मैं चढ़ती है, ये पानी ना सड़ गया ये। ले चलो झूल ले, मैं जाती हूँ लड्डू और मम्मी के पास। मम्मी और लड्डू कहाँ पे, मैं उनको देखती हूँ कहाँ है वो। लड्डू स्लीपर क्यों उतार दी, ये लड्डू झूल रही। बेटा स्लीपर क्यों उतारी आपने, आओ चलो। अरे वो वैसे कर रखा ना, इसलिए वो नहीं पहन रखी पूरी, इसलिए। कहाँ जा रही हो, कहाँ है मंकी? अच्छा चलो, मैं पानी की बोतल ना ले जा मम्मी, वहाँ पे रखिए। कैसे चढ़ोगी इस पे, कह रही इस पे चढ़ूंगी। चलो झूलो, चलो कर रही, रुको नानी को आने दो पहले, आप कोशिश करो पहले। चलो चलो ऊपर मुंह करके, हाँ चढ़ो चढ़ो, चलो। ये मैं यहाँ झूल रही, मुझे कोई झुलाने वाला नहीं है, तो इसको बैठ गई मैं, अब गोल 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 राउंड काटती हूँ। क्या हो लग गई यार, सारी है। चलो मैं इसको देख, मामा को झूलने तो दो, देख दो पानी। तो बस मैंने भी इंजॉय कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया, लड्डू ने तो अनलिमिटेड इंजॉय किया है। तो बस अब हम जाते हैं यहाँ से घर, क्योंकि अब डिनर की भी तैयारी करनी है, खाना वाना बनाना है। डिनर तो रात को बनेगा, तो रात ही होने वाली है। तो फरा के तो खैर वर्ड्स ही बहुत महंगे महंगे होते हैं, इसको तो बोलो कुछ बोलते कुछ है। तो चलते घर, बाकी मैं घर जाके मिलती हूँ।